हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम आपको नई ब्रेकफास्ट रेसिपी बताने वाले हैं। इट्स लाइक सिंपल उपमा बनाएंगे हम। उसके लिए हमने सब इंग्रेडिएंट्स निकाल लिए हैं। लाइक 1 कप हमने रवा लिया है। मेक श्योर कि आप रवा ही ले उपमा बनाने के लिए। अगर आपके पास सूजी है दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, आप उसको मिक्सर में थोड़ा पीस लीजिए जो थोड़ा बारीक हो जाए। आप देख सकते हैं कि ये अच्छी फाइन बारीक है हमारा रवा, तो आप उसको मिक्सर में पीस के यूज़ कर सकते हैं, तो आपका रवा बन जाएगा। और आपको फेटा हुआ थोड़ा सा दही लेना है, ठीक है, दही उपमे में बहुत अच्छा लगेगा। आपको कड़ी पत्ता लेना है, जो आप मीठा नीम बोलते हैं वो लेना है। आपको मिर्ची लेनी है थोड़ी। हम इसको बारीक कटा हुआ इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि आज हम सिंपल उपमा बनाएंगे। लाइक जो भी हमारे एल्डर्स होते हैं घर पे, बुजुर्ग होते हैं, उनसे चपता नहीं है कभी कभी, उसके लिए सिंपल रहता है उपमा। सिंपल है, पच जाता है सिंपल। इसमें आप उपमा में प्याज टमाटर भी डाल सकते हैं अगर आप दूसरों के लिए बना रहे हैं। बट अगर आपको सिंपल चाहिए, सिंपल टू डाइजेस्ट और कुछ चबाना नहीं हो, सिंपल आपको बनाना हो, तो आप ऐसे बना सकते हैं। उसके आज हम आपको बताएंगे। उसके लिए हमने और मसाले भी ले लिए हैं, लाइक नमक है, मसाला का पूरा डिब्बा है। सो या लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको जो आपका रवा है उसको आपको थोड़ा सा सेकना है। सो या लेट्स स्टार्ट। ओके, अब अपने को जो आपका रवा है उसको सेकना है। उसके लिए आप कढ़ाई ले लीजिए, ठीक है। आप इसमें थोड़ा सा घी डालिए, थोड़ा सा घी डालना है आपको, ठीक है। अब इसमें आप आपका रवा डाल दीजिए। अब आपको धीरे धीरे इसको सेकना है, सेम आँच पे ही सेकना है आपको। थोड़ा सा आप इसको अच्छा दर दर होकर सेकिए। उपमा बनाने के लिए फर्स्ट स्टेप इज लाइक दिस ओनली। आपको रवे को थोड़ा सा घी डाल के, आप जितना घी डालना चाहे, ज़्यादा नहीं डालना है आपको, इट्स जस्ट हैव टू बी मिनिमम, नथिंग एल्स। ओके, आपको धीरे धीरे अब आप इसको सेकिए जब तक अच्छा ये घी भी मिल जाए और अच्छा थोड़ा सा दर दरा हो जाए, ठीक है गाइस। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमारी अच्छी कुरकुरी हो गई है। अब आप इसको गैस को बंद कर दीजिए और इसको अब आप थोड़ी सी निकाल के ठंडा करने की तरह रख दीजिए। उसके बाद अब उपमा बनाने स्टार्ट करेंगे। सो इसको अभी आप एक प्लेट में निकाल दीजिए ठंडा होने के लिए। अब आप इसको एक प्लेट में निकाल दीजिए ताकि ये जब तक हमारा ठंडा हो जाए, ठंडा होके ही उपमा इसको हम बनाएंगे। इसको आप बिल्कुल अच्छे से निकाल दीजिए, थोड़ी सी ठंडी हो जाए, बहुत जल्दी ठंडी हो जाएगी, इतना इट विल नॉट टेक मच टाइम। लेट्स वेट फॉर फ्यू मिनट्स, ठीक है गाइस। वो हमारी सूजी अच्छी सी ठंडी हो चुकी है। अब अपन कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। तेल गरम करके हम इसमें राई डालेंगे, क्यों तो उपमे में राई के दाने बहुत टेस्टी लगते हैं, इसलिए राई डालिए, बहुत टेस्टी लगेगा। अब इसको फूटने के लिए 2 मिनट रख लेते हैं। राई हमारी फूटनी शुरू हो गई है, राई के दाने को अच्छे से फूटने दीजिए, ठीक है गाइस। राई के दाने अच्छे से फूट गए हैं। अब आप इसमें जो आपने कड़ी पत्ता लिया था, कड़ी पत्ता डालिए, डाल के थोड़ा सा दूर हटिएगा, ये एकदम फूटता है इसलिए। तो कड़ी पत्ता डालेंगे, कड़ी पत्ता डल गया है। अब आपने देखा हो हरी मिर्ची हमने ये लंबी करके छोटी करके काटी है, क्योंकि हमने एल्डर्स के लिए बनाया है जिनको चबाने में प्रॉब्लम होती है, उसके लिए बड़े बड़े डालिए। ये बाद में उपमा बनाने के बाद निकाल सकते हैं, पर आपका हरी मिर्ची का इसमें टेस्ट अच्छा आ जाएगा, इसलिए आप इसमें ये डाल दें। अब आप इसमें थोड़ा सा हल्दी डालिए, ये हो गया। कड़ी पत्ता बहुत अच्छा लगता है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब आपने जो ये अपनी सूजी थी जो ठंडी हो गई थी वो डाल दीजिए। अब उपमा बनाने में ध्यान रखिए कि इसको लो बहुत ये गुठलियाँ नहीं बन जाए, इसको आप लगातार थोड़ा थोड़ा सा चलाते रहना है हमें, ठीक है। और इसमें आप पानी डालते जाइए, थोड़ा थोड़ा सा पानी हम कंटिन्यूस इसमें डालेंगे और इसको हिलाते रहेंगे। आपको गैस इसमें मीडियम रखनी है। पानी डालिए जितना उपमा हो उसके हिसाब से, उसको हिलाते रहिए ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। ठीक है गाइस, आप इसको अच्छे से हिलाइए। देख सकते हैं कितना अच्छा हल्दी डाला है इसमें, कितना अच्छा कलर आया है। हिल
मिल गया है। अब आपने जो दही फेटा हुआ दही डाला था वो डालिए। दही बहुत जितना आप डालेंगे उतना अच्छा है। लोग बहुत अलग अलग तरह से उपमा बनाते हैं। आप ये हमने सिंपल सा उपमा बनाया, इसमें अब लोग बहुत सारी वेजीज डाल के भी बनाते हैं। आप इसमें वेजीज भी डाल सकते हैं अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं या किसी को पसंद आती है जो डाले आप। और सिंपल आप टमाटर और प्याज में भी बना सकते हो उपमा। ये हमने इसलिए बनाया है कि सबके लिए काम आ जाए, किसी को चबाने में इशू हो तो भी सिंपल बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसका। आप दही डाल दिया है, अब आपको इसमें सिर्फ एक इंग्रेडिएंट और बाकी है, आपका नमक। इसमें नमक थोड़ा कम ही डाले, जैसे आपने दही डाला है एकदम नमक इसमें बहुत तेज लगता है। अदरवाइज नमक डाल दिया है, अब आप इसको थोड़ा सा और अच्छा सा फेटिए। सी कितना अच्छा टेक्सचर आया है। आपने इसमें मिर्ची डाली थी, मीठा नीम डाला है और इसमें खुशबू, मीठे नीम की खुशबू बहुत अच्छी आती है। सुइया, अब आपका ये उपमा आपने फेंट लिया है, बहुत अच्छा टेक्सचर भी आ गया है। अब आप इसको 2 मिनट के लिए ढक के रखिए एंड देन आफ्टर दैट लेट्स सी हमारा उपमा कैसा रेडी हुआ है। ओके गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं कि उपमा ठंडा हो गया है। इट्स लुकिंग वेरी 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 नाइस, बहुत अच्छा है। आप मिर्ची निकाल दीजिए, आप जिसे को भी देंगे। और इसमें आप थोड़ा सा नींबू स्क्वीज कीजिए, नींबू इसमें बहुत बहुत टेस्टी लगता है। सो या लेट्स ट्राई आ उपमा, आप भी ट्राई कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा लगा। ये सिंपल हमने बनाया, इसमें कुछ वेजीज टमाटर और नहीं डाले, आप डाल सकते हैं। ये सिंपल है एल्डरलीज के लिए जिसको चबाने में दिक्कत आती है। सो या लेट्स एंजॉय आ उपमा एंड स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।